इन कॉलेज ज्ञान 24 पार्टनर्स ऑफ एडुग्रोन। मैं आशीष सिंह, आपका करियर काउंसलर। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो यार, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के टॉप 10 प्राइवेट कॉलेजेस फॉर बीसीए कोर्सेज के लिए। ठीक है, तो जो भी बच्चे एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, मतलब सॉरी बीसीए और एमसीए के एडमिशन अभी जून 10 जून के आसपास से स्टार्ट हो जाएगा, ऑफिशियली स्टार्ट हो जाएगा मध्य प्रदेश में, वो मैं कह रहा हूं। अभी बहुत सारे कॉलेजेस आपको फीस ऐठने और सीट की धमकी दे रहे हैं कि भाई यार सीट फुल हो जाएगा, जल्दी एडमिशन ले लीजिए, सीट बुक कर लीजिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, डीटी एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। अभी कोई भी नोटिफिकेशन एडमिशन का नहीं आया है बीसीए एमसीए बीटेक वीटेक कोई भी टेक्निकल प्रोग्राम के लिए। ठीक है, तो टेंशन ना लें, अभी आराम करें, है ना। और जब डीटी काउंसलिंग का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए ना, तो फिर थोड़ा लास्ट में जाकर एडमिशन लोगे तो सस्ते में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग, अगर आप बीसीए प्रोग्राम मध्य प्रदेश से करना चाहते हैं, तो मैं आपको टॉप 10 प्राइवेट कॉलेजेस को बताने जा रहा हूं इस वीडियो में, जो आपको, अगर आप बीसीए करो ना, तो ढंग की जगह से करो, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। अच्छी जगह से करोगे तो कैंपस भी अच्छा आएगा, प्लेसमेंट भी अच्छी खासी होगी, और ये कोर्स भी तो कितना प्यारा कोर्स है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये कोर्स भी इतना प्यारा है कि प्लेसमेंट अच्छा खासा हो जाएगा अगर आप अच्छे कॉलेज में होंगे तो। ठीक है, तो ये टॉप 10 कॉलेजेस है जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं, बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और हाँ बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि ऐसे ही रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, नंबर वन की अगर बात किया जाए, तो नंबर वन पे जो कॉलेज को हमने रखा है वो है आईपीएस। ठीक है, इंदौर प्रोफेशनल स्टडीज एकेडमी, आईपीएस इंदौर। ठीक है, 1994 में ये कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था, एआईसीटी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, ठीक है, यूनिवर्सिटी राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी भोपाल, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता यूनिवर्सिटी भोपाल, राजा मान सिंह तोमर आर्ट्स, ये सब कॉलेजेस से ये अप्रूव्ड है, है ना। और ये कॉलेज बहुत नामी है, इंदौर में अच्छा कॉलेज माना जाता है, और बीसीए के लिए, तो दैट्स वाई मैंने बीसीए के लिए अच्छा खासा प्लेसमेंट भी होता है, दैट्स वाई मैंने इसको नंबर वन पे रखा है। ठीक है, यहाँ बीसीए की फीस की बात करें तो पर साल आपको 50 से 55,000 के बीच में ये वेरी कर सकता है। ठीक है, तो हर साल आपको 50-55,000 के अप डाउन ऊपर नीचे करके देना होगा। ठीक है, अब एडमिशन की बात करें तो डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, सीधे कॉल कीजिए, है ना, यूनिवर्सिटी कैंपस जाइए या सीधे कॉल कीजिए और आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और दूसरी चीज यार, फीस बार्गेनिंग जरूर करना, अगर क्योंकि डिमांड के साथ ना ये फीस अपना, इनका कोई फिक्स, ये जो प्राइवेट कॉलेजेस है ना मध्य प्रदेश के, इनके किसी का भी ना कोई फिक्स्ड प्राइस नहीं है, कोई फिक्स्ड फीस नहीं है। सीट अगर ज्यादा भर तेजी से भर रहा है तो 1-1.5 लाख कर देंगे प्रोग्राम के लिए, और जहां सीट नहीं भर रहा है तो वहां 10,000-15,000 में भी एडमिशन दे देते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना, आप लोग बार्गेनिंग जरूर कीजिएगा। अगर आप बात कर रहे हैं, सामने वाला कह रहा है कि सर 55,000 में एडमिशन देंगे, तो बोलो कि नहीं सर 40,000-45,000 में दोगे, तो बताओ कम से कम 10-20,000 तो कम कराओ, है ना। तगड़ा बार्गेनिंग होती है तो अच्छी तरीके से आप लोगों को करना है। ठीक है, अब नंबर टू पे हमने जो रखा है कॉलेज, नंबर टू का जो कॉलेज है हमारा, दैट इज द भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंस, बीएसएस भोपाल। बहुत अच्छा कॉलेज है कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए के लिए, 1972 में एस्टेब्लिश हुआ था, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। 45,000-50,000 पर साल आपको देना होगा यहां से अगर आप बीसीए करते हो तो। ठीक है, और एमसीए वगैरह भी अवेलेबल है, तो आप एमसीए वगैरह भी कर पाओगे। ठीक है, आगे बात करते हैं, एडमिशन यहां भी डायरेक्ट हो जाता है। अगला जो कॉलेज है वो है तीसरे नंबर पर, जो कॉलेज मैंने रखा है बीसीए के लिए ऑल ओवर एमपी में, वो आता है माता गुजरी महिला महाविद्यालय। ठीक है, ये गर्ल्स कॉलेज है, जो भी गर्ल्स ये वीडियो देख रहे हैं आपके लिए बहुत बेहतरीन कॉलेज है ये। 1994 में एस्टैब्लिश हुआ था, आरडीवीवी जबलपुर से एफिलेटेड है, एआईसीटी और इग्नू से रिकॉग्नाइज्ड है। 13 से 20,000 रुपए आपको यहां पे लगता है बीसीए प्रोग्राम करने के लिए। एडमिशन के लिए डायरेक्ट आपके मेरिट बेस पे यहां पे मेरिट बनता है, जो भी आपका 12th में परसेंटेज आया होगा उसके अकॉर्डिंग आपका मेरिट बनेगा, और फिर उसके थ्रू यहां पे एडमिशन होता है। ठीक है, और बाकी अगर सीट वगैरह बच जाए तो मैनेजमेंट कोटा के नाम से थोड़ा ज्यादा फीस लेकर भी एडमिशन हो जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। प्लेसमेंट वगैरह भी बीसीए में अच्छा है इस कॉलेज का। ठीक है, अगला कॉलेज की बात करते हैं, तो अगला जो कॉलेज है चौथे नंबर पे मैंने ऑल ओवर एमपी में रखा है बीसीए प्रोग्राम के लिए, दैट इज एमिटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर। ठीक है, एमिटी अपने में एक अलग ब्रांड है, 2000 वैसे तो एमिटी बहुत पुराना है, बट ग्वालियर में 2010 में बना था और आते ही तहलका बोने लग गया। ठीक है, पीसीआई एआईसीटी यूजीसी से, ये खुद की अपनी यूनिवर्सिटी है तो एआईसीटी और यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, एक से लेकर 1.2 लाख के आसपास पर ईयर आपको देना होगा,
ट्यूशन फीस की बात कर रहा हूँ, हॉस्टल वगैरह वो तो आप जानो, ठीक है। मैंने इस पे एमिटी यूनिवर्सिटी पे एग्जैक्ट वीडियो बनाया हूँ, जितने भी कॉलेजेस मैं आपको बता रहा हूँ हमारे चैनल पे इन हर कॉलेज का डिटेल रिव्यू मिल जाएगा, तो आप उसको जरूर चेकआउट करें, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर या सर्च करें कॉलेज का नाम और आगे कॉलेज ज्ञान 24 लिख दें, आपको हमारा रिव्यू वीडियो मिल जाएगा, तो आपको और भी उस कॉलेज के बारे में डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। तो ये ओवरऑल है, यहाँ भी अच्छा खासा प्लेसमेंट होता है, अच्छा खासा प्लेसमेंट होता है यहाँ पे बीसीए प्रोग्राम में बात करें तो। अगला जो कॉलेज को रखा हूं पांचवें नंबर पे मध्य प्रदेश में बीसीए के लिए, वो है आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर। 1997 में ये एस्टेब्लिश हुआ था और एआईसीटी, यूजीसी, आईकर, पीसीआई, सीओए, एनसीटी सब जगह से अप्रूव्ड है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 60,000 से 65,000 पर साल आपको बीसीए प्रोग्राम के लिए यहाँ पे देना होगा, ठीक है। एडमिशन डायरेक्ट कॉल कीजिए, कैंपस जाइए, आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। हाँ भैया, फीस में बार्गेनिंग जरूर करना है ना, हर प्राइवेट कॉलेज, जितना कॉलेज में बता रहा हूं ना, हर जगह तगड़ी बार्गेनिंग होती है। अगली बात करते हैं तो छठवें नंबर पे जो कॉलेज मैंने रखा है वो है करियर कॉलेज भोपाल। ऑल ओवर मध्य प्रदेश में बात करें छठे नंबर पे बीसी के लिए कोई अच्छा कॉलेज है वो है करियर कॉलेज भोपाल। 1970 में ये कॉलेज बना था, एआईसीटी बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड और रिकॉग्नाइज्ड है। सिर्फ 25,000 से 30,000 रुपए पर साल आपको यहाँ पे फीस लगेगा। 12th के मेरिट बेस पे एडमिशन होता है, जो नंबर होगा फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में आप अप्लाई करो, आपकी मेरिट बनेगी, उसमें नाम आता है तो एडमिशन हो जाएगा। बाकी मैनेजमेंट कोटा के थ्रू थोड़ा ज्यादा फीस देकर डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है ना, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आगे अगर हम बात करते हैं, अगला जो नंबर पे आता है सातवें नंबर पे मैंने रखा है जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी, ये भी भोपाल का है। जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी 2013 में बना था, एआईसीटी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है ना, और बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से भी एफिलेटेड है। 70,000 से 75,000 आपको पर साल यहाँ पे फीस लगेगा अगर आप यहाँ से बीसीए कोर्स करते हो। यहाँ की भी प्लेसमेंट वगैरह काफी अच्छी है, ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा यहाँ पे, तो सीधे कॉल कीजिए, डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला जो कॉलेज आता है आठवें नंबर पे जिसको रखा है प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंदौर। 1994 में ये कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ था, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से रिकॉग्नाइज्ड है, एफिलिएटेड है, एआईसीटी यूजीसी बीसीआई से अप्रूवल मिला हुआ है। 1 से 1.3 लाख पर ईयर आपको देना पड़ सकता है अगर इस कॉलेज से आप बीसीए वगैरह करते हो तो, ठीक है। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें, अगला जो कॉलेज आता है नाइन्थ नंबर पे वो मैंने रखा है एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को। 2005 में एस्टैब्लिश हुआ था, डीएवीवी इंदौर से एफिलेटेड है, एआईसीटी यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड है। 40,000 से 45,000 पर ईयर आपको लग जाएंगे अगर इस कॉलेज से आप बीसीए करते हो, और ये कॉलेज इंजीनियरिंग के लिए फेमस है, कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत अच्छा है, तो बीसीए के लिए भी प्लेसमेंट अच्छा खासा इस कॉलेज में आता है, ठीक है, और एडमिशन डायरेक्ट हो जाएगा, सीधे कॉल कीजिए, डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा, ठीक है। दसवें नंबर का जो कॉलेज मैंने रखा है ऑल ओवर एमपी में बीसीए प्रोग्राम के लिए वो है सीज यूनिवर्सिटी इंदौर। 2017 में डेवलप हुआ था, अप्रूवल है इसको यूजीसी, एआईसीटी, बीसीआई, सीओ एंड पीसीआई का, और 45,000 से 50,000 आपको लगेगा फीस पर साल यहां से अगर बीसीए करते हो। अच्छी यूनिवर्सिटी है, भोपाल में भी बहुत बड़ा कैंपस एरिया है, इंदौर में भी, और प्लेसमेंट भी कंप्यूटर वगैरह आईटी सेक्टर में तो भर के यहां पे प्लेसमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये था यार ओवरऑल पूरा का पूरा टॉप 10 कॉलेजेस फॉर बीसीए प्रोग्राम ऑन इन मध्य प्रदेश, ठीक है। बाकी कोई भी करियर काउंसलिंग का हेल्प चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए, आपको मेरे साथ स्पेशली मेरे साथ अगर आपको बात करना है तो अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जाइए, बुक अपॉइंटमेंट करके आएगा, है ना, वहां से या मेन्यू ओपन करेंगे तो बुक एंड अपॉइंटमेंट करके आएगा, आपको जो भी प्लान पसंद है आप बुक कीजिए, और हमारी टीम और मैं आपको जनरली उस टाइम पे कॉल करूंगा, और आपके जो भी करियर से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन होगा उसको पूरी दूर करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं इस वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।